वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 9.5x12 फिट के कमरे की छत पर अगर हमें प्रोफाइल शीट लगानी है, मतलब टिन शेड यानी कि टिन लगवानी है, तो उस कमरे की छत पर कितनी टिन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिये हमारी जो कमरे की चौड़ाई है वो है 9.5 फिट और जो हमारे कमरे की लंबाई है वो है 12 फिट। ठीक है, कमरे की लंबाई है 12 फिट और कमरे की चौड़ाई है 9.5 फिट। अच्छा, जो हमारे दरवाजा है कमरे का वो है इस तरफ, कमरे का दरवाजा है इस तरफ। ठीक है, और इस तरफ है विंडो, इस तरफ है कमरे की विंडो। ठीक, तो जो हमारी टिन आएगी, जो टिन का स्लेंट आएगा, मतलब जो टिन का ढाल आएगा, वो किस तरीके से आएगा, वो इस तरफ आएगा। ठीक है भाई, इधर तो ढाल नहीं आएगा, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, इधर हमारे पड़ोसियों के घर है तो इधर तो नहीं हो सकता। टिन का ढाल किधर आएगा, इस तरीके से आएगा, मतलब जो टिन का ढाल होगा वो 12 फिट वाली साइड में होगा इस तरीके से। ठीक है, और 9.5 फिट वाली साइड में हमारी टिन रख जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम पता करते हैं। तो देखिए टिन जो है, मार्केट में टिन है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। वैसे बहुत टिन आती है, आप सीमेंटेड टिन का भी यूज कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड टिन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल गैल्वेनाइज्ड टिन ज्यादा चल रही है क्योंकि उनमें जंग नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए जो टिन की चौड़ाई है, जब भी आप मार्केट में टिन लेने जाएंगे, जो उसकी आप गैल्वेनाइज्ड यानी कि जो स्टील जिसमें जंग नहीं आती है वो टिन लेंगे, तो उसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी 3.5 फुट। कितनी? 3.5 फुट की चौड़ाई। और जो हमारे टिन की लंबाई है वो आप अकॉर्डिंग टू अपने रूम ले सकते हैं, 8 फिट की भी आती है, मतलब सम संख्या के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, 8 फिट हो गई, 10 फिट हो गई, 12 फिट हो गई, 14 फिट हो गई, 16 फिट हो गई। ठीक, तो यहां पर हम जो टिन की लंबाई लेंगे, भाई 12 फिट का तो हमारा कमरे की लंबाई है, तो 12 की 12 फिक्स तो नहीं ले सकते ना हम इसकी लंबाई, क्योंकि 1.5 फिट आगे भी टिन निकलनी चाहिए। अगर हमने 12 की 12 रख दी, क्योंकि जब भी हम कमरे की नाप करते हैं वो कहां से करते हैं, अंदर से करते हैं। भाई आप जब भी कमरे में जो इंची टेप लगाएंगे, जब भी आप फीता डालेंगे, तो अंदर से जब आप फीता डालेंगे, यहां से इस दीवार तक कितनी इसकी लेंथ आएगी, 9.5 फिट। जब आप यहां से यहां पर फीता डालेंगे तो इसकी कितनी लेंथ आएगी, 12 फिट। ठीक, लेकिन आप उसमें एक चीज भूल जाते हैं कि जब भी देखिए टिन जब रखी जाएगी छत पे, जब हम टिन रखेंगे तो देखिये ये चारों तरफ, क्या ये दीवार नहीं है, ये यहां पर चारों तरफ क्या दीवार नहीं बनी हुई है। इस तरीके से देखिए आप, भाई ये 9 इंची की भी हो सकती है, ये 4.5 इंची की भी हो सकती है। ठीक, 9 इंची की भी हो सकती है, 4.5 इंची की भी हो सकती है। ठीक है, प्लास्टर व्लास्टर लगा के मजबूती से तो 5 इंची की हम इसको मान के चल रहे हैं। 5 इंच ये, 5 इंच ये, ऐसी 5 इंच ये, 5 इंच ये, भाई 5 और 5 10 इंच तो आपका यही गया। भाई टिन रखेंगे आप दीवार के ऊपर तभी तो उसको स्लैंट, तभी तो ढाल देंगे। ठीक है, यहां पर भी ये भी कवर करेगा, ये वाला हिस्सा ये भी कवर करेगा, तो वहां पर आप 12 फिट की एग्जैक्ट टिन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब 12 के बजाय जब आप 13 लेने जाएंगे तो 13 मार्केट में नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको लेनी पड़ेगी कितनी, 14। आपको जो लेंथ लेनी पड़ेगी, अगर आपके जो कमरा है उसकी लंबाई है 12 फिट तब आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 14 फिट। 14 है तब आपको लेनी पड़ेगी 16। 16 है तब आप लेंगे 18 फिट। ठीक है, तो यहां पर जो हम इसकी लेंथ लेने वाले हैं टिन की, वो कितनी लेने वाले हैं, ये कितने का है, 12 का, तो यहां पर हम लेंगे 14 फिट। ठीक, 14 फिट हो गया। अच्छा, अब ज्यादातर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि इसका एरिया निकाल लिया हमने, और फिर इसका एरिया निकाल लिया, इसके एरिया में से इसको डिवाइड दे दिया, तो हमारी टिनों की संख्या निकल गई। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा सही नहीं होगा। आप किस तरीके से करेंगे ये समझिए। तो देखिए जब भी आप टिन रखेंगे कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक, आपकी जो टिन है अगर वो 3.5 फिट की है, आपकी टिन
अगर 3.5 फिट की है, जब वो टिन के ऊपर टिन तो आपको चढ़ानी पड़ेगी, यहां पर टिन के ऊपर टिन चढ़ जाएगी इस जगह पे, अच्छा एक इस जगह पे, भाई नाली के ऊपर जो टिन की नाली है उसके ऊपर नाली चढ़ाएंगे, ठीक है, तभी तो स्लेंट आ पाएगा। भाई ऐसे टिन टिन लगाई, उसके जस्ट बगल में टिन को ही रख देंगे, टिन के ऊपर टिन रखनी पड़ेगी आपको, ऐसे तो करेंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, कमरे के अंदर आएगा, ठीक है। तो जब टिन के ऊपर यानी कि टिन नाली के ऊपर जब आप नाली चढ़ाएंगे, टिन के ऊपर टिन रखेंगे, तो देखिए 3 इंच ये गया, 3 इंच ये गया, 3 इंच यहां गया, 3 इंच यहां गया, ऐसे 3 इंच यहां गया, 3 इंच यहां गया, तो बीच में कितना पोर्शन रह गया, ये वाला, ये हमारा जो पोर्शन कितना रह गया, हमारी टिन थी 3.5 फिट की, कितने की रह गई ये 3 फिट की, यानी कि 3 फिट का अगर हम करते हैं तो 12 36, ये हो गई 36 इंच की हमारी टिन रह गई बीच वाली, कौन सी, बीच वाली, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, 5 इंच की हमारी दीवार है, 5 इंच की साइड में यहां पर दीवार है, ठीक है, यहां पर दीवार है 5 इंच की, भाई यहां पर भी चढ़ेगी हमारी टिन, ठीक है। तो 5 इंच अगर हम यहां पर ले लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं इसको 5 इंच, तो 5 इंच यहां गया हमारा, ठीक, 5 इंच यहां गया, 3 इंच यहां गया, 5 इंच यहां गया, 3 इंच यहां पर आ गया, है ना। तो हमारी टिन थी 3.5 फिट, 3.5 फिट का मतलब हुआ 42 इंच, 36 और 6, 42 इंच हो गई, और 42 में से जब हम 8 को घटा देते हैं तो हमारा कितना आता है 34 इंच, तो ये बीच वाला कितना रह गया 34 इंच, ये वाला हमारा पोर्शन 34 इंच रह गया, यानी पहले टिन हमारी 34 इंच की रह गई, ठीक है। ऐसे यहां पर ये भी चढ़ जाएगी हमारी दीवार के ऊपर, 5 इंच ये हो गया, ठीक, ये भी 5 इंच हो गया, अच्छा ये कितनी रह गई, ये भी 34 इंच रह गई, ठीक। अच्छा एक चीज और देखिए भाई, 34 इंच, 36 इंच, 34 इंच, ये बीच का पोर्शन है, ये जहां पर नाली के ऊपर नाली चढ़ी थी 3 इंच एरिया, क्या वो कवर नहीं होगा यहां पर, 3 इंच का ये भी तो एरिया है यहां पर, ये 3 इंच का एरिया, ये 3 इंच का एरिया, अगर हम अंदर ही अंदर देखें तो देखिए अंदर का जो हमारा एरिया जो होगा वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, ये इस जगह से, ठीक है, 34 3, 34 और 3 37, 37 36, 34 और 3, ये भी हो गया हमारा 37, ठीक है, प्लस कर लेते हैं 7 7 14, 14 और 6 14 6 20, 3 3 9 10 11, ये हो गया हमारा 110 इंच, 110 इंच आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 110 इंच। अच्छा हमारा जो कमरे के अंदर ही अंदर जो चौड़ाई है वो कितनी है 9.5 फिट, 9.5 फिट का मतलब हुआ 12 नम 108 और 6 इंच इसमें हम और जोड़ देते हैं तो 8 6 14, ये हो जाएगा हमारा 114, कितना हो जाएगा 114 इंच, अंदर ही अंदर का जो हम यहां से यहां तक नापते हैं दीवार के उस दीवार तक जब हम नापते हैं तो कितना है 114 इंच, कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो रहा है 110 इंच, जिसमें 34 इंच हमने चढ़ाई अपनी टिन, 5 इंच वहां चढ़ाई, ठीक है, 34 इंच ये, 3 इंच ये भी तो कवर होगा भाई, 3 इंच 3 इंच आया वो एरिया तो माना जाएगा ना 3 इंच, 36 3 34, टोटल किया 110 इंच, ठीक है। अगर हमें जरूरत है 114 इंच की, यहां पर आ रहा है 110, यानी कि 4 इंच की हमें अभी और जरूरत है, कितनी जरूरत है 4 इंच की और जरूरत है, हमने यहां पर इसे 5 इंच चढ़ाया है, कितना चढ़ाया है 5 इंच, अगर हम इसको यहां पर 3 इंच चढ़ाए, केवल इस दीवार पे हम इसको केवल 3 इंच चढ़ाते हैं तो 2 इंच हमें जगह यहां से मिल जाएगी, प्लस 2 यहां से 2 इंच जगह मिल गई, और ऐसी हम यहां पर 5 इंच के बजाय इसको भी थोड़ा सा इस साइड करके 3 इंच चढ़ाते हैं, केवल दीवार पे हम 3 इंच चढ़ाते हैं तो यहां पर भी हमको कितनी जगह मिल जाएगी 2 इंच जगह हमको यहां से मिल जाएगी, 110 112 और 2 114,
तो देखिए 114 इंच हमारा हो जाता है फिक्स, 114 इंच फिक्स हो गया हमारा, मतलब हमें कितने टीन की जरूरत पड़ेगी, केवल केवल तीन, तीन टीन शेड में हमारा काम हो जाएगा, तीन टीन की हमें जरूरत है गैल्वेनाइज टीन। अच्छा इसकी हमें जो लंबाई चाहिए टीन की लंबाई वो कितनी लेनी पड़ेगी आपको, 14 फिट। 14 फिट क्यों भाई, 5 इंच ये गया, 5 इंच इस दीवार पे कवर हो गया, कितना हो गया 10 इंच, ठीक है 12 तो अंदर अंदर चढ़ेगा, यहां से यहां तक तो 12 आना ही आना है, ठीक है हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है 24 इंच, हमने टिन ये एक्स्ट्रा लिया 24 इंच, ठीक है 12 हटा देंगे 12 यानी कि 14 है ना, तो 2 फिट में कितने इंच बने 24 इंच हमारी टिन एक्स्ट्रा है, ठीक है 24 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, 24 में से 10 गए कितने बचे 14 इंच, मतलब 14 इंच हमारी टिन इस कमरे से यहां पर इस तरीके से ये बाहर आ जाएगी, यहां पर इस तरीके से हमारी टिन कितनी 14 इंच बाहर आएगी, 14 इंच क्योंकि यहां पर देखिए अगर हम फिक्स ले लेते हैं तो हमारे कमरे में बारिश आएगी पानी जाएगा जाना ही जाना है, ठीक है लेकिन हमें कैसे लेनी पड़ेगी, ज्यादा लेनी पड़ेगी, ढाल होगा टिन का अपने आप ही पानी बड़े आराम से ढलक जाएगा, ठीक तो यहां पर हमें कितनी टिन की जरूरत पड़ेगी 14 बाई 3.5 फिट की गैल्वेनाइज टिन अगर हम लेंगे तो हमें 3 टिन की जरूरत पड़ेगी, जब हमारे रूम का डायमेंशन है 9.5 फिट चौड़ाई है और 12 फिट उसकी लंबाई है, ठीक है। अच्छा अब मार्केट में जब आप टिन लेने के लिए जाते हैं, ठीक है मैं इधर उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले से वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर जब मैंने टिन के रेट पता करे तो यहां पर देखिए 1300 रुपए से टिन शुरू हो जाती है, 1300 रुपए से टिन शुरू हो जाती है जिनकी लंबाई 14 फिट होती है और ये जाती है 2500 रुपए तक, 2500 रुपए की टाटा की है, टाटा की टिन मिलेगी आपको बढ़िया अच्छी 0.50 mm, ठीक है 5 mm नहीं होती 0.50 mm, 0.50 mm की बता रहा हूं, वैसे बोलने में आता है 0.50 लेकिन जब आप देखेंगे तो 0.47 ही लिखा होता है उस पर, ठीक है लेकिन हम बोलते हैं इसको 0.50, 0.47 लिखे हुआ आता है इसकी टिन पे, ठीक है जो प्रोफाइल शीट आती है 2500 रुपए की और मार्केट में जिंदल कंपनी की भी बहुत कंपनी है, कामधेनु बनाती है, बहुत कंपनियां बनाती है, ठीक है तो 25 रुपए अगर हम टाटा की भी लगवाते हैं 2500 रुपए की एक है, हमारी तीन कितने की हो गई 2500 की एक है तो हमारी तीन टिन हो जाएंगी 7500 रुपए की, तो 7500 रुपए में हमारी तीन टिन में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए जब हम टिन लगाएंगे यहां पर, ठीक है तीन टिन लगाएंगे इस तरीके से, हमारी तीन टिन आ गई कमरे में, इनको बीच में से आप सपोर्ट कैसे देंगे, बीच में से सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा, तो वहां पर आप यूज करेंगे जो लोहे के हॉलो पाइप होते हैं, ठीक है 1.5x1.5 का यूज कर सकते हैं, 2x1.5 का भी यूज कर सकते हैं, लोहे के जो पाइप होते हैं यहां पर आप इस तरीके से पाइप रखेंगे, ठीक है 1, 2, 3 और एक यहां पर भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा कमरे से यहां पर इस जगह पे, ठीक है भाई आगे नहीं तो अगर आप टिन को अगर आप ऐसे रख देंगे दीवार के आगे, ठीक है छज्जे पे आपने रख दिया यहां पर तो क्या होगा झुकाव हो जाएगा, तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट यहां पर देनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4 20 फिट का एक पाइप आएगा, कितने का 20 फिट का एक पाइप है, ठीक है तो एक और ये दो, दो पाइपों में आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे थे प्रोफाइल शीट की, तो मैंने आपको प्रोफाइल शीट बता दिया हमारी कितनी लगेंगे तीन, बाकी अलग से अगर आप वीडियो कहते हैं कि सर पूरा खर्चा बताइए तो मैं आपको पूरे खर्चे वाली वीडियो भी बता दूंगा, ठीक तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थैंक यू।